चाय दे। ये चाय है? अरे नहीं, पापड़ है मैडम। तो हम पापड़ मांगे तुमसे? अरे मैडम चाय आ रही है, तब तक पापड़ खा लीजिए अब प्लीज। हम कल पापड़ का बारिश हो गया क्या? जहाँ देखो पापड़ दिखाई दे रहा है हमको, चल क्या रहा है ये? अरे मैडम ये कोई आम पापड़ नहीं है, बहुत खास पापड़ है ये। अब देखिए मैडम आप बहुत भोली है, नादान है, आपको मालूम नहीं पापड़ के बारे में। अरे ये हाहाकार पापड़ है, इसके खाने से कोरोना नहीं होता है। का बकैती किए जा रहे हो बे? अरे नहीं मैडम, ये सही कह रहा है, ये पापड़ बनाने वालों का दावा है कि पापड़ खाने से कोरोना नहीं होता है। खाओ कोरोना दूर भगाओ। का बकैती किए जा रहे हो तुम दोनों की दोनों? अरे नहीं मैडम, हम बकैती नहीं कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं ना दो चार पापड़ अभी खा लो, कोरोना से बची रहेंगे। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? किसी ने तुम्हें चूरन बनाया और तुम चूरन बन गए। पापड़ खाओगे ना तो वैसे तुम हॉस्पिटल पहुंच जाओगे। मैडम लगता है कोरोना से बचने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही आकार पापड़ खा लिया, पेट में बहुत ज्यादा आकार मच गया, मतलब इधर रहे तो यहीं पे आकार मच जाएगा। देखा इतना जो तुम हाहाकार पापड़ की बात कर रहे हो, तुम्हारा अकल क्या बिल्कुल घुटनों में चला गया है क्या? कोई कुछ भी खबर फैलाएगा तो तुम मान लोगे? पता नहीं है ये फेक न्यूज का कितना चक्कर चल रहा है, तुम्हारा दिमाग है कि नहीं है खोपड़ी में? हाँ बहुत ज्यादा। तो यूज कौन करेगा? तय करो ना कि कौन सा खबर सच्चा है और कौन सा झूठा है। पापड़ लो और लेके जाओ इसको। जहां तक बात रही है हाहाकार पापड़ की न्यूज फैलाने वाले की, इसको तो हम खोज के निकालते हैं और दिखाते हैं कि हाहाकार क्या होता है। अरे नहीं नहीं, एक दो बॉटल से क्या होगा, यहाँ खोली यहाँ खत्म। बहुत ज्यादा लगेंगी भाई, कम से कम एक दो कार्टन भिजवा दो बॉटलें। हाँ पुष्पा जी दारू पीने लग गई, स्टॉक होना चाहिए भाई, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। हाँ जा आज ही भिजवा दो। तो कहाँ भेजोगे, सीधा थाने भिजवा दो सारी बॉटलें। हाँ रख दो अभी फोन। क्या? आई अंडरस्टैंड पुष्पा जी। हाँ तो जरूरत तो पड़ती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। इंटर थाना डांस कंपटीशन में हमारा महिला पुलिस थाना फर्स्ट आया है। करिश्मा सिंह को ये न्यूज हमने फोन पर दे दी, लेकिन सोचा आप लोगों को पर्सनली बता दे। Congratulations. मैडम सर आपको भी बहुत 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 मुबारक हो। अगर आपने साथ नहीं दिया होता तो आज हम ये सब नहीं कर पाते। नहीं नहीं पुष्पा जी, इट्स ऑल टीम वर्क। पर मैडम सर एक बात बोलूं, जब नेक्स्ट टाइम डांस कॉम्पिटिशन होना तो ऐसे ऑनलाइन नहीं होना चाहिए, ऑनलाइन में मजा नहीं आता। जब ऐसे लाइव ऑडियंस होती है और हम परफॉर्म करते ना तो मजा आ जाता है, सीटी वीटी बजती है, तालियां बजती है। Sorry. It's okay. पर लेकिन हाँ सेलिब्रेट करना तो बनता है। आज का चाय नाश्ता हमारी तरफ से और हाँ मिठाई भी मंगवा लीजिएगा। हाँ हाँ जरूर। मम्मी शादी के लिए? डीएसपी सर। सॉरी सॉरी। जय हिंद सर। जय हिंद। वैसे तो हम सब जानते हैं लेकिन फिर भी बधाई हो और ट्रॉफी। ओह थैंक यू सो मच। आप हमको ये बताइए कि आपका थाना स्टाफ हमको पार्टी कहाँ दे रहा है भाई? सर जहाँ आप बोले। आप तो जानती है कि मैं खाने का कितना शौकीन हूँ, वैसे संताप को सदेगा। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वेज बिरयानी बहुत बढ़िया होती है, खाया आपने कभी? हा? नहीं सर। तो ठीक है हम लोग वहीं चलेंगे। और आपको यकीन के साथ कहता हूँ कि आप जिंदगी भर उसका टेस्ट नहीं भूल पाएंगे। बता दीजिएगा जब जाना हो। श्योर सर। सर आपने कुछ काम से फोन किया था या बस वेन्यू डिसाइड करने के लिए?
अरे 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 खाने की बातों में वो बात तो रही गई जो बात आपको बतानी थी। अरे भाई शहर में नकली शराब का धंधा बहुत जोरों से चल रहा है और हम सब जानते हैं, इसीलिए तो आपका नाम सजेस्ट किया है। हम चाहते हैं ये केस आप अपने हाथ में ले लें और जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज है आप जल्द से जल्द बंद करें। अब ऐसे छोटे मोटे केस तो आप सॉल्व कर ही लेंगे। हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं, इनफैक्ट वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट। जय हिंद सर। जय हिंद। कोई नया केस मैडम सर? हाँ नकली शराब का केस अब ऑफिशियली हमें मिल चुका है जो हमें जल्द से जल्द सॉल्व करना है। जी मैडम सर, लॉकडाउन में शराब मिलनी बंद हो गई थी ना, उसी का फायदा उठाकर नकली शराब वालों ने अपना धंधा दोगुना कर दिया है, नकेल तो कसनी पड़ेगी। संतोष शर्मा, हमने जो रिपोर्ट बनाने के लिए आपको कहा था उसका क्या हुआ? जी मैडम सर, रिपोर्ट बनाइए। लगभग 5,550 बॉटल पकड़ी है, उसमें से आधी अंग्रेजी और आधी देसी। देखो संतरा की 300 बॉटल पकड़ी गई थी, फैनी की 450, महुआ की 340। संतोष शर्मा, हमने आपको लोगों की लिस्ट बनाने के लिए कहा था, ये संतरा मौसम्बी की नहीं। सप्लायर्स, सोर्सेस, डीलर्स, एजेंट्स, शराब के ठेके, इनफैक्ट जहाँ जहाँ हमने रेड मारी थी जितने भी लोग ब्लैकलिस्टेड हैं सबकी एक साथ एक लिस्ट बनाइए जल्दी। जी मैडम सर। मैडम सर आपने वो सैनिटाइजर की बोतलें और मास्क के लिए बोला था ना, वो ऑर्डर हमने दे दिया है, बस आज रात को ही वो डिलीवर कर देगा यहाँ थाने में। रात को कौन डिलीवरी करता है? एनीवेज रात की ड्यूटी पर कौन है? चीता है ना। और कहाँ है वो? चीते बहुत हंस रहे हैं, क्या हुआ? यार बिल्ले यार ये वायरल वीडियो देखना यार। क्या? नशे की हालत में दूध दूल्हा पहुंचा शादी करने और दुल्हन के जगह दुल्हन की माँ के गले में जयमाला डाल दिया और दुल्हन बेहोश। होता है होता है, मेरे साथ भी एक बार ऐसा हुआ, मैं अपने नशे की धुत में गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने बैठा। अरे चीते तू भी ऐसा कुछ करना, तू भी ऐसा कुछ करना। कहा चाहते हो? संतू जी के बाबूजी के पास जाए, उनका हाथ पड़े, उनको प्रपोज करते, पगलाई थी। बकवास बकवास बकवास, एकदम बकवास प्लान है तुम्हारा, समझे? हाँ हम समझे, बिल्कुल सही कह रहे चीता भैया जी, तो चंडाल के चक्कर में ना पड़ो, फालतू बेइज्जती हो जाएगी। हाँ ऐसे हाल हो जाएगा। अब हम ये चुप बैठे तुम। अरे संतोष जी के पिताजी को प्रपोज नहीं करना है, संतोष जी को प्रपोज करो। क्या होता है दारू पीने से चूहा भी शेर बन जाता है। शराबी शराब के चक्कर में कुत्ते की मौत मारा जाता है। देंगे देंगे, सोशल मैसेज भी देंगे। हाँ पहले इनका काम होने दो। कर लो। तुम दारू पियो, संतोष जी के सामने जाओ, उनको अपनी दिल की बात बता दो, हाँ किया तो ठीक है, नहीं तो फिर मार खा लियो मामे का। मम्मी ऐसा नहीं है, आप दारू पे बिल फाड़ दो, कहना नशे में था, गलती हो गई, माफ कर दो, माफ कर दो। फ्री का पीना है तुमको, सब जानते हैं, इसलिए पगलाइती कर रहे हो तुम सब। यही यही बात है चोर आदमी जो। अरे क्या यही यही बात है? अबे मार खाएगा अपने को, मजा आएगा, फिर से ऊपर से दारू मिलेगी फिर। चीते, अरे यार ये चीते, सुन लो। हाँ, असल में दारू थोड़ी पीनी है, दारू पीने की एक्टिंग करनी है, एक्टिंग में हो जाएगा। बराबर एकदम बराबर। नहीं हमसे कहाँ एक्टिंग। अरे फिर हम किस लिए? बिल्लू दाल पचीनो। कौन चीनो? क्या पचीनो? चुप बैठो यार तुम, ये देखो। संतोष जी हमारा दिल आपके पास है, वो लौटा दो। बच्चन साहब कर रहा है? नहीं यार मैं पागल, अब यार दो चार जन्म ले ले फिर भी बच्चन साहब जैसा तो नहीं हो पाएगा। और दूसरी बात, जितना बड़ा उनका हाथ है उतनी बड़ी तो हमारी हाइट भी नहीं है, संभव नहीं है बिल्ले, समझ यार। अरे होगा होगा, ये देखो ये बदनाम है ना, ये डायलॉग बोलेगा और मैं एक्टिंग करूंगा, ये देखो बदनाम शुरू हो जा। हाँ, करो करो। संतोष, अरे उतनी देर में तो संतोष जी की शादी हो जाएगी, वो हनीमून करके लौट आएगी तब तक। एक मिनट यार, एक मिनट, अभी फालतू का आइडिया दे जा रहे तुम लोग तब से यार, नहीं लेना तुम लोग से आइडिया, हम कुछ और सोच लेंगे। हाँ पुष्पा जी। चीते सुन, सैनिटाइजर ऑर्डर किए हैं और रात में ही डिलीवरी होनी है, आज रात ड्यूटी पर तुम ही हो ना, इसलिए अब ऑर्डर भी तुमको ही लेके रखनी है, समझे? ठीक है। क्या हुआ? जा रहे सोने, सोना पड़ेगा, काहे कि रात को ड्यूटी करना है। ठीक है। बदनाम, ये तेरा ग्लास इधर पड़ा था, ले ले भाई। अरे थैंक यू भैया, क्या ईमानदार चोर है, वापस दे दिए, वाह। चोर चोरी छोड़े, हेरा फेरी न छोड़े, लो चाय और लो तुम पी लो, कब से बैठे।
परेशान करके रख दिया आज फोन ने। महिला पुलिस थाने जनपद लखनऊ, बताइए क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी? काला कुत्ता है। काला कुत्ता? ना बाबा, हमें तो कुत्तों से बहुत डर लगता है। गुरुजी है? गुरुजी? हाँ, अजीब इंसान हो तुम। काले कुत्ते से सीधा गुरुजी तक पहुंच गए। देखो भाई, काला कुत्ता भाग गया और गुरुजी अभी स्कूल में, समझ गए? रख दो फोन। अच्छा। ओहो। हेलो। खंबा मिलेगा? हाँ? खंबा खंबा मिलेगा क्या? खंबा चाहिए तुमको? हाँ मिलेगा ना, यहाँ महिला पुलिस थाने में मिलेगा तुमको खंबा, और खंबे से बांध के अच्छा सा करंट भी मिलेगा तुमको, समझे? हम खंबा चाहिए तो बिजली विभाग में फोन करो ना। बस मैडम बस, और नहीं खाया जाएगा। तुम ही हो ना वो जिसने ये मैसेज फॉरवर्ड किया है और गलत न्यूज फैलाया कि तुम्हारा ये पापड़ खाने से कोरोना भाग जाएगा। आप भी खाएं हाहाकार पापड़ और दूर भगाएं कोरोना। मुझे माफ कर दो मैडम, मुझसे गलती हो गई। अब रुक जाओ ना करिश्मा मैडम। एक तो तुम कोरोना के नाम पे लोगों को ये पापड़ खिला रहे हो, हमने सोचा भाई हमारा भी तो थोड़ा ड्यूटी बनता है तुम्हारे जैसे लोगों के खिलाफ, तो सोचा क्यों ना तुम्हारा ही पापड़ तुमको खिलाया जाए। अब जो तुम्हारे सामने ये पापड़ का पहाड़ पड़ा है ना, या तो ये खा लो या फिर हमारा एक घुसंड खा लो। क्या खाओगे बताओ? खाल 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 बेटा, अच्छी बात है, पापड़ खाल बेटा वरना मार खाएगा। बस मैडम बस, और नहीं होता मैडम, मैं आगे से किसी को फॉरवर्ड नहीं मैसेज करूंगा, मैं तो मैसेज ही नहीं करूंगा मैडम। माफ कर दीजिए मैडम। इकबाल, मैडम सारे हाहाकार पापड़ दिख रहे आ गया, इतने ही है, रख दूं? रखो यहीं। क्या है ये भैया, ये पापड़ देख रहे हो, ये भी आप ही को ही खाना है। हाँ? देखा ये क्या कर दिया आपने। जय हिंद मैडम सर। ये सब कौन है ये आदमी? मैडम सर, ये वही आदमी है जिसने वो गलत मैसेज फॉरवर्ड किया है सबको कि इसके ये पापड़ खाने से कोरोना भाग जाएगा। कुछ नहीं हुआ है, खुद का पापड़ खाया तो लेट गया है यहाँ पे। अभी जब ये होश में आएगा ना, फिर इसको समझ में आएगा कि झूठा खबर फैलाना कितना गलत बात है। पुष्पा जी। जी मैडम सर। इन्हें हॉस्पिटल पहुंचाइए। जी आप अंदर आइए। वो तो समझ जाएगा करिश्मा सिंह, लेकिन इंतजार हमें इस बात का है कि आपको ये बात कब समझ में आएगी कि इस तरीके से थाना नहीं चलता। हम पुलिस वाले हैं करिश्मा सिंह, हमारा काम कानून की हिफाजत करना है, उसे तोड़ना नहीं। मैडम सर, ये न्यूज देखिए जल्दी। जब रक्षक ही बन जाए अपराधी, तब कहां जाए आम आदमी? अपराध को रोकने के बजाय रक्षक ही करने लगे अपराध, तो क्या हो उसके बाद? महिला पुलिस थाने को लीजिए, ये महिला पुलिस थाना अपराध को रोकने के बजाय खुद ही अपराध में संलिप्त है। देखिए आज की रिपोर्ट पूरे सबूत के साथ, अपनी आंखों से महिला पुलिस थाने का ये सच। अरे अपनी तो पूरी जुगाड़ है महिला पुलिस थाने में, कभी भी जितनी भी शराब चाहिए हमको बोलो, हम लाके देंगे। कहाँ से लाके दोगे भाई? महिला पुलिस थाने से लाके देंगे। ये क्या बकवास बोल रहा है आदमी? तभी हम सोचे सुबह से इतने फोन क्यों आ रहे हैं, परेशान करके रख दिया हमको शराब मांग मांग के। ये सब इस वीडियो की वजह से हो रहा है मैडम सर। ये झूठ है, ये सरासर झूठ है, ये तो फेक न्यूज है। ये खबर झूठा है, आपको पता है, हमको पता है, लेकिन ये खबर झूठा उन लोगों को नहीं पता जिन तक पहुंच गया या पहुंचने वाला है, उनके लिए ये खबर सच्चा है मैडम सर। करिश्मा सिंह, हम पुलिस है,
हम ऐसी फेक न्यूज से डर नहीं सकते। डरने का नहीं, डराने का जरूरत है मैडम सर ऐसे लोगों को, जो थोड़ा सा पब्लिसिटी के लिए किसी भी हद तक गिर जाते हैं। इतना भी एहसास नहीं होता उनको कि ये फेक न्यूज की वजह से कितना लोगों का जिंदगी दांव पर लग जाता है। आप एग्जाम्पल के तौर पर इस इंसान को ले लीजिए, अगर हम इसको इसी का ही पापड़ खिला के इसको सबक नहीं सिखाते तो इसको समझ में नहीं आता। ऐसे लोग जो है ना वो जज्बातों से नहीं समझते मैडम सर। करिश्मा सिंह आप ये क्या बेतुका एग्जाम्पल दे रही हैं? कहाँ वो कोरोना का पापड़ और कहाँ ये फेक न्यूज का मामला? ये मामला साइबर यूनिट हैंडल करेगा क्योंकि वो एक्सपर्ट है। यहाँ किसको जाकर मारेंगी आप? यहाँ का थाना इंचार्ज कौन है? हम हैं हसीना मलिक, कहिए। हम क्राइम ब्रांच से, हमारे पास यहाँ की तलाशी लेने के ऑर्डर्स हैं। ये ऑर्डर्स कॉपी है, आप देख सकती हैं। देखिए आप, इन्हें इनका काम करने दीजिए, प्लीज कैरी ऑन। चलो शुरू हो जाओ। क्या नई मुसीबत है। सर इधर आइए। ये सब क्या है? कहना है, कहना है, आज पहली बार, बार से निकलते ही कुछ दूर चलते ही चलते चलते कहाँ आ गए संतोष। संतोष जी कितने सुंदर हैं आप। सिंधु जी हमको ना, हमको ना कुछ कुछ पर्सनल बात करना है आपसे। दिल वाले जो ना दूसरे बिले थैंक्स बिले। सिंधु जी कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है आपसे जो सुंदर। चिट्ठी रुक रुक चुप बिले रोक रोकना नहीं हमको तुम्हें। चित्र चित्र देखो मोहब्बत के सागर में बह जाने दे बिल्ले। संतोष कौन है? जीते ये लोग क्राइम ब्रांच वाले हैं। अभी भी यहाँ पे तलाशी हुई है और तलाशी में शराब की बोतलें मिली हैं। तुम कौन? बिल्लू है, चोर है ये। तुम? चीता चतुर्वेदी, कांस्टेबल। तुमने शराब पी है? नहीं सर, हम घर पर दूध और थाना में चाय के अलावा कभी भी कुछ भी नहीं पीते सर। इनके कपड़ों से जो स्मेल आ रही है वो दूध और चाय की नहीं बल्कि शराब की है। नहीं सर, कुछ ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, चीता कभी भी शराब नहीं पीता। बहुत मुश्किल है मिस मलिक, आपके थाने में शराब मिली है और आपका एक स्टाफ शराब के नशे में खड़ा है। सर सर हम ना समझाते हैं, हम ना इसे खेल रहे थे सर, हम ऐसे खेल रहे थे कि हम आएंगे और हम संतु जी को ऐसे शराब के नशे में बोलेंगे और वो भी हमको ऐसे नशे में।
ये तो और भी गलत बात है। आप लोग ड्यूटी पर ये सब काम करते हैं। ये कमरा सील करने का ऑर्डर दो और रिपोर्ट बनाओ। सर नहीं नहीं एक मिनट, आप प्लीज बात समझिए, ये सब एक्टिंग कर रहा है ये। आपको जो भी सफाई देनी है डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में देना, और ये बताने की जरूरत नहीं है मुझे, अगर आप लोग दोषी साबित हुए तो आप लोगों के खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल आप इस फॉर्म पर साइन कीजिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.